अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ अली अब्बास लहरिया, वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से। आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें। तो नाज़रीन, आज हम हैं, बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है, वापडा टाउन में पीआईई रोड पे, और ये है कोयटा टी स्टॉल। ये कैफ़े भी है और मोटिवेशनल इसलिए है कि यहाँ पे जो एक है बड़ी ब्रेव लेडी जो है ये इस कैफ़े को चला रही हैं। और जैसे कि अक्सर हम आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी और बड़ी जो है सिलेक्टिव स्टोरीज लेके आते हैं, तो ये बेसिकली ये फार्मासिस्ट भी थी, इन्होंने एमबीए भी किया एचआर में, उसके बाद जॉब्स का इनको ऐसा जैसा कोई मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने ये कोयटा टी स्टॉल, जैसे कि हमारा कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहाँ पे ज़बरदस्त परांठे वगैरह और उसके अलावा चाय वगैरह और सारा जो है इसका इंतज़ाम है, और बड़ी अच्छी आउटडोर की, जो आजकल कोविड के लिहाज से भी है कि जिस तरह कोविड में टेक अवे है, इंडोर के जो है सेटिंग वो बंद है, लेकिन आउटडोर तो अलाउड है, तो बड़ा अच्छा इनका सेटअप है और बड़ा मेन पे है, और ये यूएमटी जो यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल बिल्कुल साथ है। तो ये हमारी उन लेडीज़ के लिए भी जो हमारी हाउस वाइफ हैं या घर से काम करना चाहती हैं या कुकिंग का थोड़ा उनको क्रेज़ है, उनके लिए एक अच्छी बड़ी ही मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप अपना काम भी कर सकते हैं और आप हिम्मत करके आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते। वो मज़ीद इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और ये कैसे इसको चला रही हैं जी, और मज़ीद अब इनसे जानेंगे कि ये इन्होंने जो कोयटा कैफ़े है ये स्टार्ट किया, स्टार्ट में इनको क्या प्रॉब्लम्स हुई और इन्होंने अपनी जॉब्स वगैरह जो थी वो कैसे स्टार्ट की, कैसे छोड़ी और कैसे स्टार्ट की। कह लें कि मतलब स्टार्टिंग हुई यहाँ से कि मैंने बेसिकली फार्मासिस्ट हूँ मैं, पहले मैंने फॉर्म डी किया मुल्तान भावन जिक्र यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बस फिर जॉब्स के लिए कोशिश की कि कहीं जॉब हो जाए, लेकिन बींग अ फार्मासिस्ट इतना पढ़ने लिखने के बाद आपके माइंड में होता है कि आपको अच्छी जॉब मिले और अच्छा हो, लेकिन मुझे इनिशियली जो याद है कि एक जॉब थी वो ऑफर 10,000 पे ना, तो तब फिर मैंने सोचा कि यार 10,000 में तो इतना कोई गुजारा नहीं है, तो क्यों ना आगे कोई फर्दर स्टडीज़ की जाए। तो उसके बाद फिर मैं एमबीए के लिए इस्लामाबाद चली गई, वहाँ पे मैंने एमबीए किया बेरी यूनिवर्सिटी से। वो बस एमबीए करने के बाद डिफरेंट जॉब्स, अच्छा जॉब्स भी सर्च कर रही थी लेकिन ऑन एंड ऑफ, मतलब कि जॉब्स बस ये था कि कुछ कभी अच्छी जॉब है कभी कोई, मतलब कि जॉब्स का भी आपको पता ही पाकिस्तान में उतना स्कोप नहीं है कि आपकी डिग्री भी है और आपके पास जॉब्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल, तो मुश्किल तो हैं, लेकिन बस फिर जॉब स्टार्ट कर दी एक जगह पे एम्बेसीज के साथ, कुछ थोड़ा अभी स्टार्टअप ही था वहाँ पे, कुछ था कि अच्छा कुछ करियर बनाएं अपना फ्यूचर, लेकिन उसमें सडनली फिर वालिद साहब की डेथ हो गई। वालिद साहब की डेथ के बाद जो था एक वो टर्निंग पॉइंट था जो मेरी लाइफ का, जो जिसमें मुझे लगा कि क्योंकि सारे फाइनेंसेस तो वही उठा रहे थे सारा कुछ, और फिर उसके बाद लगा कि अच्छा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे ऊपर आ गई कि जी इसको हमने देखना, घर को मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई था जो कि हमें मैनेज करना था सारा कुछ। उसके बाद मैं बुरा बेसिकली बुरा वाला से हूँ, तो मैं अपने होम टाउन मूव कर गई, वहाँ पे गए, वहाँ पे जॉब्स की सर्च की, कोई जॉब ऐसे नहीं थी, फिर वहाँ पे एक होम किचन स्टार्ट किया छोटा सा, बस वो चला, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं है कि हम फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ आ सकें। तो फिर देन वी थॉट कि चलो लाहौर मूव करते हैं, कुछ रीजंस की वजह से कि हमने इतना पढ़ा हुआ था, तो हम लाहौर आ गए, लेकिन लाहौर आके भी जॉब्स की ही तलाश में थे, लेकिन बस वही बात थी कि जॉब्स जो हैं वो नहीं मिल रही थी कोई भी। फार्मेसी की जॉब थी जो कि स्टार्टिंग मुझे इनिशियली इवन दो के मुझे 4 साल भी हो गए थे फार्मेसी की, तो स्टार्टिंग पे मुझे 22,000-25,000 ठीक है ये मुझे पैकेज जो था वो मिल रहा था। तब मैंने सोचा कि ये क्यों ना कोई अपना ही एक छोटा सा कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। पहले यही सोचा कि चलो लाहौर में हैं तो घर से ही होम किचन स्टार्ट करें, बट वो मुझे पता था कि लाहौर में ऑलरेडी इतने होम किचन चल रहे हैं, इतना टफ कंपटीशन है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना स्टार्टअप लेना। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ जो कि लाहौर में नहीं है वो यहाँ लेके आए जाए। एनीवेज फिर हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी, फ्रेंचाइज ख़रीद के यहाँ लेके आना भी बहुत एक्सपेंसिव था, इतना बजट नहीं था, हाँ बिल्कुल। फिर हमने क्या सोचा कि कोयटा टी हाउस जो कि बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम कराची, कराची से इस्लामाबाद में आया, वो इस्लामाबाद से ही लाहौर में नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना कोयटा से जो हम इसको है इस्लामाबाद से इसको लाहौर लेके आए, तो वो हम लाहौर लेकर आए, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला अल्लाह का शुक्र है। और अभी ये है कि बस मतलब मुश्किलात तो थी बिज़नेस में, बिल्कुल मुश्किलात थी स्टार्टिंग में, आपकी टीम हायर करना सबसे बड़ा टास्क था कि कोई मैं बीइंग अपन मतलब कि पंजाब में होके कोयटा से टीम लेके तो मेन जो आपके कुक्स वगैरह थे वो भाग गए। एक दिन पहले जब मेरी शाम को ओपनिंग थी, सॉफ्ट ओपनिंग थी उस वक्त हमारी क्योंकि तब कोविड था, तो हमारे दो जो लोग थे मेन चाय पराठे वाले वो भाग गए,
तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप क्या करें, बस वो फिर अल्लाह ताला ने इतनी आसानी की। और अब जो चाय वाला मतलब मुझे मिला, पराठे वाला, उसकी चाय मतलब इतनी अच्छी, लोगों को पसंद आ रही है। मैं खुद टी लवर नहीं हूँ बट लोग बहुत तारीफ। और बड़ी ही जबरदस्त उसमें बादाम वगैरह और बड़ा सब जो और जो स्टाफ है ये सारा ऐसा, जिस तरह आपका ये कोयटा टी हाउस है, स्टाफ भी वहीं का ही है जी। जो मेरा कोयटा का, जिसे हम स्पेशली यहाँ पे जो दे रहे हैं ना कोयटा के पराठे और चाय, तो पराठे और चाय के लिए स्पेशल जो हमारा स्टाफ है वो कोयटा से ही है। बाकी जो हम अंदर देसी है, चाइनीज़ है, और हमारे पास एक सिग्नेचर हमारी सिंगापुरियन राइस है, फास्ट फूड है, उसके लिए हमने यहीं पे मतलब के बेसिक यहीं के शेफ्स हैं हमारे पास। लेकिन जो कोयटा की है वो स्पेशली कोयटा के ही लोग हैं जो कि इसको कर रहे हैं। तो अब जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं या हमारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह आप बीइंग अ लेडी आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, और बड़ा मुश्किल होता है कि एक आप मेन यहाँ पे मार्केट में बैठी हुई हैं, एक चलाना कंपटीशंस भी हैं, आप तो इस पीआईई रोड पे और मौलाना शौकत अली रोड, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी लाहौर बहुत ही ज़्यादा ये खुल चुके हुए हैं, तो आप इसको चला रही हैं और बड़ी कामयाब तरीके से चला रही हैं, तो क्या मैसेज देंगी आप? बिल्कुल। अच्छा, जब मैंने इनिशियली ओपन किया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोगों को ये क्लिक हो जाएगा और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया होता कि ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और मेरा मैसेज जो है लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए, यही है कि कोई आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली भी और मतलब इमोशनली, कि आपको इतना, क्योंकि बींग अ वुमेन, बींग अ लेडी, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और इसमें अब ऐसे बहुत स्टेप्स भी आते हैं जहाँ पे आपको होता है कि नहीं बस छोड़ दें, बस हिम्मत हार जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब कि एक बिज़नेस तो है लेकिन इन्वॉल्वमेंट्स बहुत सारी चीज़ों की है इसमें, बिल्कुल। तो लेकिन उसमें सिर्फ मेरा जो मैसेज सब लड़कियों के लिए ये है कि कुछ ना कुछ करें, कुछ भी, कोई छोटा सा बिजनेस सेटअप स्टार्टअप करें, आपको अल्लाह ताला बहुत आपके लिए आसानियां पैदा करें। और ये जैसे एस एच आपका ये यहाँ पे है, तो ये सोसाइटीज़ भी आपको काफ़ी यहाँ पे लगती हैं, तो आपने होम डिलीवरी वगैरह कभी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ? दे रहे हैं अभी हमारी फूड डिलीवरी नहीं, लेकिन फूड पांडा के थ्रू हमारा चल रहा है। और ये UMT के भी बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्टल्स में भी हैं, तो अगर हमारे चैनल के तवसत से कोई आपके पास आता है, कॉल करता है, तो उसके लिए कोई अनाउंसमेंट करेंगी, कोई डिस्काउंट होगा उनको? फ्रेंड्स वैसे ही वो आते हैं, लेकिन जो इस आपके चैनल के थ्रू आएंगे, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, उसको हम डेफिनेटली डिस्काउंट जो है वो देंगे, 5-10% का डिस्काउंट। वो हमें अगर बता दें, रेफर कर दें कि हम इस चैनल से आएँ, तो हम उनको डेफिनेटली डिस्काउंट भी देंगे जी। व्यूअर्स, तो इनके पास खाली यहाँ पे चाय भी नहीं, कावा, उसके अलावा जो फूड्स हैं पाकिस्तानी, उसके अलावा चाइनीज़ भी, और जो देसी फूड्स हैं वो भी, बड़ा ज़बरदस्त इनके पास हर चीज़ है। आप लोग आएँ यहाँ पे ट्राई करें, बड़ा पीस ऑफ माइंड यहाँ पे माहौल है बड़ा अच्छा, और ये खुद मैनेजमेंट में हैं और ये देखती हैं हर चीज़ को, और कस्टमर्स वगैरह को फैमिली के साथ आप आएँ, और बड़ा ही अच्छा यहाँ पर आपको आके ना, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप बिल्कुल किसी, तो आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और आ भी सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल नेक्स्ट किसी और मोटिवेशनल स्टोरी से, किसी और टॉपिक से अपने होस्ट अली अब्बास लहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।